Hello aspirants, welcome to Success Plus Academy. My name is Sumit and today we will discuss the decline of the great Mauryan Empire. जो मौर्य अंपायर जिसके बारे में अभी तक हम पढ़ रहे थे चैप्टर 9, 8 और 7 में, उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसका पतन कैसे हुआ, जिस साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सम्राट जैसे महान राजा हुए उसका भी एक दिन पतन हुआ और वो किस तरीके से हुआ वो हम सब डिस्कस करेंगे। तो ये एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है और पार्ट 10 अभी तक हम पढ़ रहे हैं, यानी कि 1 से 9 तक के पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने 9 पार्ट नहीं देखे हैं पहले आप वो 9 पार्ट देखिए ताकि आप इतिहास को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ सकें। तो जो लोग UPSC, SSC, रेलवे और वेरियस कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो ना सिर्फ इस कोर्स को बल्कि हम आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको उस तरह का कंटेंट मिल जाएगा जो भी आप तैयारी कर रहे हैं। ओके, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, GK हो और कुछ ही दिनों में इंग्लिश का कंटेंट भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये जो मौर्य एम्पायर है इसका कोलैप्स किस तरीके से हुआ। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये अंपायर जो था बहुत बड़ा अंपायर था। एक बार मैप में मैं आपको दिखा दूं पहले ये स्लाइड डिस्कस करने से पहले कि जब अशोक के साम्राज्य को हम पढ़ रहे थे तो वो साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। इधर उत्तर में अफगानिस्तान, ये देखो वेस्ट में पाकिस्तान, इधर पूरा भारत, छोड़ दें हम तमिलनाडु और केरला को छोड़ दें तो पूरा भारत, उसके बाद अब आज का जो बांग्लादेश है वो बांग्लादेश, ठीक है, थोड़ा बर्मा का हिस्सा, आज का जो म्यांमार है वो, पूरा नेपाल, ठीक है, ये सारा का सारा हिस्सा, ये सारा का सारा हिस्सा कहाँ आया करता था, ये मौर्यन एम्पायर के अंडर, उसके मौर्य एम्पायर के रूल में आया करता था। अशोक के समय पे भारत का जो सारा हिस्सा है सब कॉन्टिनेंट में, अगर अफगानिस्तान इसको छोड़ दें, इस हिस्से को छोड़ दें और श्रीलंका को छोड़ दें तो सारा सब कॉन्टिनेंट मौर्य एम्पायर के अंडर रूल में आया करता था। ठीक है, और ये इतना बड़ा साम्राज्य किस तरीके से इसका पतन हुआ वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो अशोक जो थे, जो अशोक सम्राट की हम बात करें जिसको हमने पढ़ा अभी, और अशोक सम्राट के बाद जो बाद में 6 राजा और हुए, उन 6 राजाओं में कोई भी इतना पावरफुल नहीं था जितना कि इनके जो पूर्वज थे उतना, तो धीरे धीरे इसका पतन होना शुरू हो गया। ठीक है, और किस तरीके से हुआ वो सारे रीजन हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो लास्ट राजा हैं उनके बारे में कई बार पूछा जाता है, बृहद्रथ जो थे वो इस साम्राज्य के लास्ट राजा थे, मौर्य एम्पायर के लास्ट राजा कौन थे, बृहद्रथ। देखो ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि लास्ट राजा कौन थे, फर्स्ट राजा कौन थे। हम जब पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन सीरीज करेंगे एंशियंट हिस्ट्री की, प्राचीन भारत का जो अभी तक सवाल पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, वो मैं जब पूरा आपका एंशियंट हिस्ट्री पूरा हो जाएगा तो उनको एक साथ डिस्कस करूँगा। अभी तक मैंने ये सीरीज़ एक साथ नहीं डाली है कि जब मैं कोई टॉपिक कर रहा हूँ तो लास्ट में मैं क्वेश्चन अभी तक नहीं कर रहा हूँ। मैं आगे के आने वाले लेसन्स में आपको क्वेश्चन सीरीज़ भी साथ में ही कराता चला जाऊँगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, अलग से ना पढ़ना पड़े। लेकिन अभी तक जितने चैप्टर हो गए हैं इनकी मैं क्वेश्चन सीरीज़ आपको एक साथ करा दूँगा। ठीक है, तो अशोक के बाद काफ़ी सारे अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग इसके रीज़न दिए और ऐसा माना जाता है कि आने वाले जो राजा थे उनका वो इतने पावरफुल नहीं थे इसलिए ही मेनली इस राज्य का पतन हुआ, और बाकी रीज़न भी हम कुछ इसको देखते हैं। तो ब्रदर जो थे 185 BC में इनके एक सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने शुंग डायनेस्टी की शुरुआत की। हम मौर्य एम्पायर के बाद शुंग डायनेस्टी को ही पढ़ने वाले हैं। तो इन्होंने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग डायनेस्टी का राज स्थापित कर दिया इस अंपायर में, पूरे भारत में उस समय पे। ठीक है, तो बृहद्रथ के बाद ऐसा हुआ, तो बृहद्रथ राष्ट्र राजा थे, पुष्यमित्र जो थे वो शुंग वंश के फाउंडर थे। तो ये पूछा जाता है कई बार कि जो ये अंपायर था, मौर्य अंपायर था, इसका अंत किसने किया, खात्मा किसने किया, तो पुष्यमित्र शुंग ने किया। और ये एक ब्राह्मण थे, इन्होंने वापिस, आप जानते हैं कि जो मौर्य थे ये अलग अलग धर्म को फॉलो करते थे, मेनली इनका बुद्धिज्म रिलीजन था इस एम्पायर का। कैसे, चंद्रगुप्त मौर्य का जो रिलीजन था वो था जैनिज्म, वो जैनिज्म को फॉलो करते थे। उसके बाद बिंदुसार जो थे वो करते थे आजीवक संप्रदाय को फॉलो करते थे, मैंने आपको बताया था बिंदुसार के समय। अशोक सम्राट जो थे वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे और उन्होंने बुद्धिज्म को बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया, भारत में ही नहीं बाकी पड़ोसी देशों में भी बुद्धिज्म को उन्होंने फैलाया। ठीक, और उसके बाद जो राजा हुए अशोक के बाद उन्होंने भी बौद्ध धर्म को ही अपनाया।
तो ये जो भारत जो था इसमें ज़्यादातर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था और बौद्ध धर्म अपने जेनिथ पे था उस समय पे, अशोक के समय और मौर्य एम्पायर के समय। लेकिन उसके बाद पुष्यमित्र शुंग आए और ये वापस इन्होंने हिंदू धर्म को ज़्यादा तवज्जो दी, क्योंकि ये ब्राह्मण थे, हिंदू धर्म से रिलेटेड थे। और ये ऐसा भी माना जाता है, जब हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे, कि ये विरोधी थे बुद्धिज्म के। ठीक है, तो ये अंपायर मैंने आपको बता दिया है कितना बड़ा अंपायर है, उसका पतन कैसे शुरू होना स्टार्ट हुआ। सबसे पहला एक जो बड़ा रीजन माना जाता है वो है कि वीक मोनार्क, जो राजा जो थे अशोक के बाद के जो राजा थे वो कमज़ोर थे, उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाएँ, इतने बड़े साम्राज्य का बर्डन संभाल पाएँ। क्योंकि आपको पता है कि इतना बड़ा साम्राज्य जो अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक फैला हुआ है, पाकिस्तान से नेपाल तक फैला हुआ है, नॉर्थ पूरा इंडिया से पूरा भारत, जिसमें सिर्फ तमिलनाडु केरला को छोड़ दें, इतना बड़ा साम्राज्य है, इसको संभालने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, बहुत पावरफुल राजा होना चाहिए। क्योंकि मिलिट्री संभालनी है, इकोनॉमी संभालनी है, एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको संभालना है, तो जो एक कमज़ोर रूलर है वो उसको नहीं संभाल पाएगा। ठीक है, तो अशोक के बाद टोटल 6 राजा हुए मौर्य एम्पायर में, और वो 6 राजाओं ने मुश्किल से 52 साल तक राज किया। 52 साल के बाद ही इसका पतन हो गया, अशोक की डेथ के बाद। ठीक है, और लास्ट राजा मैंने आपको बता दिया बृहद्रथ था। देखिए, जब हिस्ट्री हम शुरुआत करते हैं तो हमने मैंने आपको बताया था बृहद्रथ ही पहला राजा था मगध का, और बृहद्रथ आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि मौर्य एम्पायर का भी लास्ट राजा है बृहद्रथ। ठीक है, और इसको मार दिया था पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक बात है, उसके बाद बात आती है कि ये जो राजा थे इनका क्वालिटी में कोई मैच नहीं था अपने एंसेंटर से, जो इनके पूर्वज जो थे उनसे इनका क्वालिटी में कोई मैच ही नहीं था, ये वीक थे। क्योंकि आपको पता है, जब चंद्रगुप्त की बात आती है, अशोक सम्राट की बात आती है, तो वो बहुत ही पावरफुल राजा थे और बहुत ही महान राजा हुआ करते थे। फिर बात आती है पार्टीशन की, इस राज्य का पार्टीशन हो गया था, ये भी इसको वीक बनाया, इसी वजह से इसका एक और डिक्लाइन का ये रीज़न माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अशोक की डेथ के बाद ये राज्य दो हिस्सों में बट गया, वेस्टर्न और ईस्टर्न दो हिस्सों में बट गया। अब ईस्टर्न हिस्से को तो फिर भी मैनेज कर लिया, लेकिन वेस्टर्न हिस्से में काफ़ी सारे विदेशी आक्रमण भी हुए और वेस्टर्न हिस्सा धीरे धीरे इनके हाथों से चला गया। कैसे हुआ, देखो, कलहण एक राइटर है, देखिए मैं आपको बताऊं, ये पूछा जाता है कई बार, कलहण का नाम सुना होगा, इन्होंने लिखा राज तरंगिनी, राज तरंगिनी, ये बुक पूछी जाती है कई बार। देखो, मैं आपको जो पुरानी एंशियंट बुक्स हैं और उनके जो ऑथर्स हैं उनके लिए एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो जो किताबों के बारे में पूछा जाता है, इसका ऑथर कौन है, इस ऑथर ने कौन सी किताबें लिखी, तो उनके बारे में हम अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन वीडियो के अंदर अगर कोई चीज़ आए तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कलहण ने राजतरंगिनी लिखी, और राजतरंगिनी में कश्मीर के इतिहास में उन्होंने बताया कि कश्मीर पे अशोक के एक बेटे जिनका नाम था जालुका, उनका रूल होता था इंडिपेंडेंट, वो इस मौर्य अम्पायर से अलग सेपरेटली रूल किया करते थे कश्मीर पे। मैंने आपको बताया अशोक के बाद, जब हम पिछला लेसन डिस्कस कर रहे थे कि अशोक के बाद दशरथ राजा बने, दशरथ एक राजा थे अशोक के ही, जो आगे के अशोक के सन थे वो बने। ठीक है, तो अशोक की एक तरफ दशरथ राज कर रहे थे और दूसरी तरफ जालुका राज कर रहे थे कश्मीर में इंडिपेंडेंट, यानी कि इस राज्य का दो भागों में ये बढ़ चुका था। और ये पार्टीशन होने के बाद जो विदेशी जो आक्रमणकारी थे उनको ऐसा लगा कि अब ये राज्य कमज़ोर हो चुका है, अब आधे हिस्से पे हम अटैक कर सकते हैं, और नॉर्थ वेस्ट से कुछ आक्रमण हुए, और वो ग्रीक आक्रमण जो हुए उनको हम अलग लेसन में देखेंगे, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि मैंने आपको अलेक्जेंडर का भी नहीं बताया है, अलेक्जेंडर का भारत पे आक्रमण हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य से पहले, लेकिन मैं ग्रीक और जो अलेक्जेंडर के जो ये आक्रमण हुए इसको मैं एक ही वीडियो में आपको समेट के बता दूंगा, ताकि आपका अलग अलग जगह आपको ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो ये पार्टीशन था, ये भी इस एम्पायर को कमज़ोर बना रहा था। उसके बाद आती है एक इनकी पॉलिसी, जो इस स्टेट की पॉलिसी थी, हाईली सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। जब हमने चंद्रगुप्त मौर्य का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था तो हमने क्या देखा कि उसका मेन जो आधार था वो था चाणक्य का अर्थशास्त्र। चाणक्य के अर्थशास्त्र में हमें जानकारी मिलती है, साथ ही साथ मेगस्थनीज की इंडिका जो बुक है उसमें भी आपको पता चलता है
कि ये जो मौर्यन साम्राज्य था इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही केंद्रीकृत था, सेंट्रलाइज था। सारी जो पावर हुआ करती थी वो राजा के पास होती थी। राजा कहाँ से अपनी राजधानी से पूरे स्टेट को, पूरे साम्राज्य को कंट्रोल किया करता था। हालांकि राज्य को अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ करता था, जैसे आज सब डिवीज़न में और डिवीजन्स में बांटा होता था और सब डिवीज़न को भी विलेज में बांटा हुआ करता था। लेकिन उनके पास इतनी ज़्यादा ऑटोनॉमी नहीं थी, उनके पास बहुत कम ऑटोनॉमी थी, और तो इसलिए सारी जो पावर जो थी वो सेंटर के पास हुआ करती थी। इस सेंटर के पास पावर होने के कारण क्या हुआ कि जो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार जो थे, जो कि पावरफुल राजा थे, वो तो इसको संभाल पाए। वो तो पावरफुल राजा थे, वो तो संभाल पाए इस सेंट्रलाइज पावर को। लेकिन आगे के जो राजा थे उनमें इतने उनका इतना मादा नहीं था कि वो इतनी पावर को संभाल पाए, क्योंकि जो उनके अंडर जो काम करते थे जो डिवीज़न में और सब डिवीज़न में, वो लोग भी अपनी ऑटोनॉमी में काबिज करने लगे, अपना जो पावर है उसको दिखाने लगे। ठीक है, तो हिस्टोरियन रोमिला थापर जो हैं, रोमिला थापर ने ऐसा माना है, रोमिला थापर अभी हैं, जिंदा हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो एंशियंट राइटर नहीं है, हिस्टोरियन हैं, लेकिन अभी मॉडर्न टाइम में उन्होंने बुक लिखी थी द अशोका अशोका एंड डिक्लाइन। इस बुक का नाम है अशोका एंड डिक्लाइन। ठीक है, ये बुक पूछ ली जाए कि रोमिला थापर ने कौन सी बुक लिखी है अशोक के बारे में, तो द अशोका एंड डिक्लाइन। इन्होंने ऐसा बताया है कि ये जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था ये भी इनके पतन का एक बड़ा कारण बना, क्योंकि जो इनके अंडर जो काम किया करते थे राजाओं के, उन्होंने ही विद्रोह कर दिया और ये वीक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल नहीं पाए। ठीक, अगली बात है इंटरनल रिवोल्ट। इंटरनल रिवोल्ट क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि बृहद्रथ को मार दिया था शुंग ने, जो है पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को मार दिया था। ये बात बाणभट्ट की एक बुक है हर्षचरित्र, बाणभट्ट, ये भी एक इम्पोर्टेंट बुक है बाणभट्ट, मैं आपको कराऊंगा। इसने इन्होंने लिखी हर्षचरित्र, 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 इस बुक में इन्होंने बताया है कि आर्मी परेड में इन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने इनको बृहद्रथ को मार दिया। ठीक है, कब मारा, 185 और 186 BC में मारा, ये एक बात आपको मिलती है। उदाहरण मैंने आपको 185 BC मान बताया है, तो 185 BC में जो है मौर्य एम्पायर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ये शुंग डायनेस्टी शुरू होती है। फिर बात आती है कि इसके बाद शुंग डायनेस्टी, ये बता दिया है, अब फॉरेन इन्वेजन और है। इंटरनल रिवोल्ट के बाद आता है फॉरेन इन्वेजन। मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रीक इन्वेजन हम पढ़ेंगे कि जो नॉर्थ वेस्ट हिस्सा था भारत का, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान आते थे, वहाँ पे आक्रमण शुरू हो गए थे मौर्य डायनेस्टी के, जो अशोक के बाद में। आपको पता है जब अशोक राज किया करते थे या चंद्रगुप्त राज किया करते थे, तो किसी भी फॉरेन इन्वेडर का इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि इनके सामने वो आक्रमण कर सके। भारत पे किसी ने, फॉरेनर ने अटैक ही नहीं किया, क्योंकि जो ये चंद्रगुप्त थे और अशोक थे ये बहुत ही पावरफुल राजा थे, इनके सामने कोई और आर्मी टिक नहीं पाती थी। लेकिन इनके जो जो आगे के राजा हुए वो कमज़ोर थे, इसलिए विदेशी आक्रमण भी शुरू हुए। उसी के साथ साथ कुछ वंश आगे शुरू होने लग गए, जैसे कि शक है, शक डायनेस्टी भी आ गई और कुषाण वंश भी आ गया। ये राजा आगे, ये वंश आगे आके इन्होंने भारत में राज किया, जिनको इंडो ग्रीक भी बोलते हैं, इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक शासन भारत में शुरू हुआ। तो फॉरेन इन्वेजन भी एक बड़ा रीजन था इस साम्राज्य के अंत का। ठीक है, तो ये सब था मेन रीजन इस साम्राज्य के अंत के। तो मौर्य साम्राज्य हमारा ख़त्म हो चुका है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ भी आप सवाल पूछ सकते हैं। और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।